आखिर क्यों किसी भी सुपरमार्केट में घड़ी नहीं लगाई जाती है? एक ऐसा जीव जिसका लाइफ स्पैन मात्र 24 घंटे का ही होता है। और क्यों क्रिमिनल्स को फांसी देते वक्त उनके सिर को काले कपड़े से ढक दिया जाता है? इन सभी सवालों के साथ ही जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिए और बने रहिए हमारे साथ एंड तक। आप देख रहे हैं फैक्ट्स ले लो द मार्केट ऑफ फैक्ट्स। आपने सुना होगा कि ईगल की आंखें बहुत तेज होती है। दरअसल इसका राज ये है कि वे किसी चीज पर फोकस करने के लिए अपने नजरों को एक टेलीस्कोप की तरह जूम कर सकते हैं। इसी खासियत की वजह से ईगल्स 16,000 फीट की ऊंचाई से भी एक खरगोश जितने बड़े चीज को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। जापान ने ऐसे बहुत से काम किए हैं जिससे दुनिया हैरान है। उन्हीं में से एक ये भी है कि वे मरे हुए लोगों को दफन करने के बाद उनके कब्र के ऊपर एक QR कोड लगा देते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके उस मरे हुए इंसान का बायोडाटा और उनके जीवन से जुड़े स्पेशल इवेंट्स के बारे में जाना जा सकता है। दुनिया में कुछ ऐसे जानवर हैं जो सैकड़ों सालों तक जिंदा रह सकते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ चंद दिनों की होती है। पर एफेमेरल मेफ्लाई एक ऐसा कीड़ा है जिसका जीवन काल मात्र 24 घंटे का ही होता है। ये जन्म लेने के बाद तेजी से बढ़ने लगते हैं और महज एक दिन के अंदर ही इनकी नेचुरल डेथ भी हो जाती है। इसी दौरान फीमेल मेफ्लाइज कई सारे अंडे भी देती हैं। कभी कभी तो 24 घंटे के पहले ही ये किसी मेढक या गिरगिट के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन इन एनिमल किंगडम का दर्जा दिया गया है। खैबी लेम, इनको तो आपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा ही होगा। दरअसल खैबी ने कोरोना महामारी के शुरुआती समय में अपनी जॉब गंवा दी थी, इसीलिए घर में बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए वे टिकटॉक पर वीडियोज बनाना शुरू किए थे। उस समय उन्हें ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि लोग उनके स्टाइल और एक्सप्रेशंस को इतना ज्यादा पसंद करने लगेंगे। अब उनके इंस्टाग्राम पर 65 मिलियन और टिकटॉक पर 125 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और अर्निंग उनके पहले वाले जॉब से कई गुना ज्यादा है। इस इमेज में आपको कुछ पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि इनमें से एक पत्थर नकली है और वो नकली पत्थर असल में इसराइल का एक सोल्जर है। दरअसल इस सोल्जर ने एक ऐसा जैकेट पहन रखा है जो पीछे से बिल्कुल एक बड़े पत्थर जैसा दिखता है। लड़ाई के समय छिपने के लिए ये जैकेट बहुत कारगर है। इस जैकेट की खास बात है कि इसे इंसान तो दूर कोई रडार या मशीन भी पहचान नहीं सकती। बहुत पास से देखने पर ही समझ आता है कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि एक सैनिक है। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा गांव है जहां पे सभी घर जमीन के अंदर बने हुए हैं। इस गांव का नाम है कूबर पेडी। यहां पे 200 से भी ज्यादा घर जमीन के नीचे बनाए गए हैं। असल में कुछ सालों पहले तक इस जगह पे ओपल नाम के पत्थरों की खाने थी, पर जब यहाँ पे काम बंद हुआ तो इस जगह पे कई सारे खाली सुरंग और गड्ढे बन गए थे। क्योंकि कूबर पेडी एक रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग इन्हीं खाली सुरंग और गड्ढों को मॉडिफाई करके उनमें रहने लगे। इन अंडरग्राउंड घरों में ना तो ज्यादा गर्मी लगती है और ना ही ज्यादा ठंड। अक्सर हम सुबह उठने के लिए अलार्म तो लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह सुबह वो अलार्म बजता है तो हम उसे बंद करके वापस सो जाते हैं। इसीलिए एक ऐसा अलार्म बनाया गया है जो एक कारपेट की तरह होता है, और ये तभी बंद होता है जब आप इस पर कुछ देर के लिए खड़े होंगे, और जब तक ये बंद होगा तब तक आपकी नींद जा चुकी होगी। इस कारपेट जैसे अलार्म क्लॉक का नाम है रगी अलार्म क्लॉक, और इसका प्राइस 9 से 10 हज़ार रुपये तक हो सकता है। है ना अमेजिंग? ये फैक्ट छोटा है मगर काफी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि उल्लू ही अकेला ऐसा पक्षी है जो ब्लू कलर को देख सकता है। इसे छोड़कर दुनिया का कोई भी पक्षी ब्लू कलर को देख ही नहीं सकता। क्या कभी नोटिस किया है कि अक्सर मॉल या सुपरमार्केट में कोई भी घड़ी नहीं लगाई जाती है? दुनिया के 95% मार्केट्स में तो ऐसा होता ही है। इसके पीछे एक ट्रिक है, और वो ये है कि अगर आप टाइम नहीं देखेंगे तो शॉपिंग के चक्कर में आपको समय का पता ही नहीं चलेगा, और आप अपना ज्यादा समय शॉपिंग में बिताएंगे जिससे उनकी सेल ज्यादा होगी। अगर मैक्सिमम कस्टमर्स ऐसा ही करें तो एक महीने में उनकी कितनी एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है आपको अंदाजा भी नहीं होगा। फांसी देते वक्त क्रिमिनल्स के चेहरे को एक काले कपड़े से ढक दिया जाता है, क्योंकि अगर चेहरे को नहीं ढका गया तो मरते समय उस क्रिमिनल का तड़पता हुआ चेहरा देखकर हो सकता है कि उसे देखने वाला इंसान डर जाए, क्योंकि उस समय फेस का एक्सप्रेशन ऐसा होता है जिसे देखने के बाद कोई भी जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाता, और उसके ब्रेन पर इसका काफी बुरा असर पड़ता है। इसलिए एक काले कपड़े से चेहरे को ढक दिया जाता है ताकि उसके चेहरे का थोड़ा भी हिस्सा दिखाई ना दे। इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स अगर आपको चौंकाने में और एंटरटेन करने में कामयाब हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी हौसला जरूर बढ़ाएं।